नमस्कार, स्वागत है भारत टेक 9 में। मैं हूं हरीश असवाल। देश में जब भी दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई की बात होती है तो कांग्रेस के रहनुमा उल्टा बीजेपी को ही दंगाइयों की सरकार बताने लगते हैं। लेकिन आज भारत एट 9 में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जो कांग्रेस ये कहती है कि बीजेपी के टाइम में सबसे ज्यादा दंगे हुआ, तो आज कांग्रेस को ये जान लेना चाहिए कि कांग्रेस के समय में ही देश में सबसे ज्यादा दंगे हुए। चलिए दंगों के बारे में इतिहास के आपको कुछ बातें बताते हैं। दंगों के नाम पर डराने वाली कांग्रेस का इतिहास आपको बताते हैं। ये इतिहास करीब 16,000 हिंदू मुस्लिम सिखों के खून से लथपथ है। आंकड़े झूठ नहीं बोलते। एक दो घटनाओं को बार बार रट कर बस ये भ्रम फैलाया जाता है कि बीजेपी के शासनकाल में सांप्रदायिक हिंसा हुई, जबकि कांग्रेस का हाथ खून से लथपथ है। गुजरात में 2002 में जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, तब हुए दंगों को लेकर अक्सर भ्रम फैलाने की कोशिश की जाती रही है। बड़ी चालाकी से इन सब के बीच में कांग्रेस के शासनकाल में हुए दंगों को भुला दिया जाता है। गुजरात में हुए दंगों की आड़ में उन हजारों लोगों को याद भी नहीं किया जाता जो कांग्रेस के शासित राज्यों में हुए दंगों में मौत की भेंट चढ़ गए। अक्सर कहा जाता है कि केंद्र और उत्तर प्रदेश में मोदी योगी के आने के बाद सबसे ज्यादा सांप्रदायिक हिंसक वारदातें हुई। लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें तो 2013 में जब यूपी में अखिलेश और केंद्र में मनमोहन की सरकार थी, तब वहां सबसे ज्यादा सांप्रदायिक वारदातें हुई। कांग्रेस शासन में दंगों का इतिहास। 2017 में उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा की 195 वारदातें हुई, जबकि 2013 में यही आंकड़ा 247 का था। उस समय ना तो यूपी में योगी थे और ना ही केंद्र में मोदी। हालांकि कुछ सियासी नुमाइंदे झूठ के आधार पर ये कहते नहीं चकते कि मोदी राज में ऐसी घटनाएं बढ़ गई। इसी तरह 2008 से 2017 के दशक की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सांप्रदायिक हिंसक वारदातें 2009 में हुई थी। उस साल वहां 128 ऐसी घटनाएं हुई थी। उस समय केंद्र और राज्य दोनों की जगह पर कांग्रेस की सरकार थी। इसी तरह 2010 में वह 117 और 2008 में 109 ऐसी वारदातें हुई, जबकि 2014 से लेकर 2017 के बीच किसी भी साल में सांप्रदायिक हिंसा के आंकड़े इतने नहीं गए, बल्कि उसके उलट 2016 में ये आंकड़े घटकर 68 और फिर 2017 में घटकर 46 हो गए। 2013 में यूपी में ऐसी घटनाओं में 77 लोग मारे गए। महाराष्ट्र में 2008 में और 2009 में सांप्रदायिक हिंसा के कारण करीब 26 और 22 लोग मारे गए। 2015, 16 और 17 में यह आंकड़ा घटते घटते करीब 14, 6 और 2 पर पहुंच गया। 2014 से लेकर 2017 के बीच इन आंकड़ों में कमी आई। अब हम आपको हाल ही में यूपी के शासनकाल में हुए उन दंगों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें भारी जान माल का नुकसान हुआ। लेकिन कई राजनेताओं ने आज भी गुजरात की रट लगाई हुई है। 2013 यूपी मुजफ्फरनगर दंगे। हमें आपको पुराने समय में कांग्रेस के शासनकाल में हुए बड़े दंगों की बात करें तो 2013 में यूपी के मुजफ्फरनगर में हुए दंगों में जान माल की भारी क्षति हुई थी। उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और राज्य में अखिलेश यादव यानी एसपी की सरकार थी। अगस्त सितंबर में हुए इन दंगों में 60 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे और कई घायल हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस दंगे को लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को फटकार भी लगाई थी। 2011 के भरतपुर दंगा राजस्थान। अब एक नजर राजस्थान दंगों पर डाल लेते हैं। 2011 में अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री काल में भरतपुर में हुए दंगों में 8 लोग मारे गए थे और करीब 25 लोग जख्मी हुए। इस दंगे की जांच सीबीआई को सौंपी गई। अशोक गहलोत फिर से राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। हैरत यहां है कि उनसे एक दंगे को लेकर भी सवाल नहीं पूछा गया। 1993 बॉम्बे दंगा महाराष्ट्र। अब हम आगे कांग्रेस राज में हुए उन भीषण दंगों के बारे में बात करेंगे जो इतने भयावह थे कि उनके सामने छुटपुट घटनाओं को दंगा का रूप देने वाले शर्म से अपना मुंह छुपा ले। इस दंगे में 900 के करीब लोग काल के गाल में समा गए।
उस समय शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। दिसंबर 1992 और जनवरी 1993 में हुए इन दंगों में सबसे भीषण दंगों में से एक माना जाता है। तब केंद्र में नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। 1990 में हैदराबाद दंगा, आंध्र प्रदेश। 1990 में आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में हुए सांप्रदायिक दंगों में 200 से भी ज़्यादा लोगों मौत के गाल में समा गए। उस दौरान आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। हैदराबाद दंगों के बारे में कहा जाता है कि तब एक भी दोषी को गिरफ्तार नहीं किया गया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री मारी चेन्ना रेड्डी ने कहा था कि ये दंगे उनकी अपनी ही पार्टी के प्रतिद्वंदी द्वारा भड़काए गए। इस दंगों में मारे गए और घायल लोगों में आधे से ज़्यादा हिंदू थे। 1984 सिख दंगा। 1984 में दिल्ली और पंजाब में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिखों को चुन चुन कर मारा गया था। इस दंगे में कई कांग्रेस नेताओं पर आज तक मुकदमे चल रहे हैं। अलग अलग दावे तक हुए हैं। दावे ये कि दंगे में 10,000 करीब सिख मारे गए। पूरे भारत में शायद ही कभी इस तरह एक तरफा इतने लोगों को मारने की कोई दूसरी घटना घटी हो। अकेले दिल्ली में हजारों सिखों को मार डाला गया था। उनकी बस्तियां जला दी गई थी और महिलाओं तक को नहीं छोड़ा गया था। मामला अभी तक कोर्ट में लंबित था। हालांकि किसी से छिपा नहीं है कि इस दंगे को कांग्रेस नेता, याद कीजिए जब राजीव गांधी ने धरती डोलने वाला बयान दिया था, विकिलीक्स के खुलासे के मुताबिक अमेरिका तक ने भी इस दंगे को पूर्ण रूप से कांग्रेस का हाथ माना था। अमेरिका ने माना था कि कांग्रेस और उनके नेता सिखों को कत्लेआम कर रहे हैं। सिख समाज आज तक उस दंगे का दंश को भूल नहीं पाया है, जबकि कई आरोपी आज भी खुलेआम रहते हैं। 1983 नेली दंगा असम। फरवरी 1983 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा था। ऐसे में 3,000 से भी ज्यादा लोगों को दंगे में मारा जाना कांग्रेस सरकार की अक्षमता का परिचायक है। आंकड़ों के मुताबिक 10,000 के करीब लोग मारे गए थे। स्थानीय निवासी और मुस्लिमों के इस खूनी संघर्ष को रोकने में तत्कालीन सुरक्षा व्यवस्था नाकाम साबित हुई थी। यह स्वतंत्र भारत का अब तक का सबसे बड़ा नरसंहार था। सरकारी तौर पर मृतकों के परिजनों को मुआवजे के नाम पर 5,000 रुपये दिए गए थे। नेली नरसंहार के लिए शुरू में ही कई 100 रिपोर्ट दर्ज की गई थी। कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए, लेकिन देश के सबसे जघन्य नरसंहार के अपराधियों को सजा तो एक तरफ, उनके खिलाफ मुकदमा तक नहीं चला। बंगाली विरोधी आंदोलन के बाद जो सरकार सत्ता में आई, उसने एक समझौते के तहत नेली नरसंहार के सारे मामले वापस ले लिए। 1987 भागलपुर दंगा, बिहार। केंद्र में राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार। बिहार में भी नारायण सिन्हा के नेतृत्व में कांग्रेस ही सत्तासीन थी। ऐसे में बिहार के इतिहास का सबसे भीषण दंगा भड़का और हजारों से भी ज्यादा लोग मारे गए और 50,000 से भी ज्यादा लोगों को अपना घर बार छोड़कर भागना पड़ा। इस दंगे के बाद लालू यादव ने मुस्लिम यादव समीकरण को बनाकर और बिहार की गद्दी को जीतने में कामयाब रहे। शहर में शांति बहाली के लिए तत्कालीन सिने स्टार सुनील दत्त और शत्रुघ्न सिन्हा को कई बार भागलपुर आना पड़ा था। गंभीरता को भांपकर तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी आए, पर उन्हें अस्पताल से ही लौट जाना पड़ा। तब कर्फ्यू तोड़कर लोग तिलका मांझी चौराहा पर आ गए थे और उनके काफिले को रोक एसपी के तबादले को रद्द करने का सरकार को मजबूर कर दिया गया था। कांग्रेस इस घटना के बाद से ही बिहार की सत्ता पर कभी काबिज नहीं हो सकी थी। 1969 गुजरात दंगा। 2002 के गुजरात दंगों की चर्चा तो की जाती है, लेकिन बड़ी चालाकी सी 1969 में उस गुजरात में हुए भीषण दंगों का याद नहीं किया जाता। कारण उस दौरान केंद्र में, राज्य में, दोनों में कांग्रेस की सरकार थी। इस दंगे में 500 के आसपास लोग मारे गए थे और लगभग इतने ही घायल भी हुए थे। हिंदू दलितों और मुसलमानों के इस संघर्ष को भड़काने में जमात उलेमा नामक मजहबी संगठन के नेताओं द्वारा भड़काऊ बयान का हाथ था।
1980 में या फिर सांप्रदायिक की आग भड़की और 1992 में बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद भी हिंदू मुस्लिम की हिंसा संघर्ष हुआ। इन दंगों को लेकर कांग्रेस नेताओं से सवाल नहीं पूछे गए। 1989 मुरादाबाद दंगा, यूपी मुरादाबाद में दूसरा मजहब वालों द्वारा एक दलित लड़की के अपहरण के बाद उपजे तनाव में 500 के करीब लोगों को मारे जाने की खबर। हालांकि आंकड़ों की बात करें तो इसमें 2500 से भी ज्यादा लोगों के मारे जाने की बात कही गई। राज्य में नारायण दत्त तिवारी के नेतृत्व में कांग्रेस सत्तासीन थी और केंद्र राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। ऐसे में देश के सबसे बड़े राज्य और राजधानी दिल्ली से सटे इस क्षेत्र में हजारों लोगों को मारे जाने की कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल खड़े करता है, और उन पर भी जिन्होंने इस दंगे को लेकर उतने सवाल नहीं पूछे जितने गुजरात को लेकर पूछे गए। ये बात तो थी कांग्रेस के शासनकाल में हुए दंगों की। जब कोई बड़े एक्शन नहीं लिए जाते थे, आज एक्शन लिए जा रहे हैं और देश में बुलडोजर एक्शन सुर्खियों में है, जो कांग्रेस को पसंद नहीं आ रहा है। और हाल ही में दिल्ली में जहांगीरपुरी में बुलडोजर कार्रवाई पर मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। लेकिन आज कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान के अलवर में नगर पालिका परिषद की तरफ से बुलडोजर एक्शन का मामला सामने आया है। यहां 300 साल पुराने मंदिरों पर सरकार ने बुलडोजर चलाया है, तो क्या कांग्रेस को बुलडोजर पसंद आ गया है? जानकारी के मुताबिक अलवर जिले के राजगढ़ में मास्टर प्लान के नाम पर प्राचीन भवनों दुकानों पर बुलडोजर चलवा दिया गया। कार्रवाई करने वाले अधिकारियों ने विकास के नाम पर मंदिरों को भी तोड़ दिया। कस्बे का मुख्य मार्ग खंडर में तब्दील हो गया। भवनों और दुकानों को बिना किसी मुआवजे के मास्टर प्लान का हवाला देकर ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन की कार्रवाई से मंदिर की मूर्तियां खंडित हुई और इस दौरान ड्रिल से तोड़ा गया 300 साल पुराना शिवलिंग भी टूट गया। लोगों का आरोप है कि विकास के नाम पर साजिश के तहत मंदिर तोड़ा गया है। अब ऐसे में सवाल यह है, क्या वाकई कांग्रेस भी अब बीजेपी के नक्शे कदम पर चल रही है, या सांप्रदायिक के नाम पर ये राजनीतिक पार्टियां निजी लड़ाई को हवा दे रही हैं? कांग्रेस के शासनकाल में बहुत दंगे हुए जिनको लेकर उन पर सवाल नहीं दागे गए। बीजेपी शासनकाल में देश शांत है और ऐसी घटनाओं में कमी भी आई है। यह आंकड़ा इस बात का सबूत है, अगर हम 2011 से 2013 की बात करें तो उस दौरान भी कांग्रेस शासित राज्य सांप्रदायिक हिंसा की चपेट में सबसे ज्यादा थे। उस दौरान कांग्रेस शासित महाराष्ट्र में 270 ऐसे मामले आए, जो देश में सबसे ज्यादा था। 2013 में देश में जितनी भी सांप्रदायिक हिंसा की वारदातें हुई उनमें से 35% सपा शासित यूपी में हुई थी। इसलिए एक दो घटनाओं को बार बार रटकर बस एक भ्रम फैलाया जाता है कि बीजेपी के शासनकाल में सांप्रदायिक हिंसा की वारदातें बढ़ जाती हैं। आज भारत एट नाइन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।